तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाउ टू इंक्रीज इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। यस गाइस, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे मुझे कि सर कैसे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बताएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे ग्रो करें, कैसे इंक्रीज करें इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को। तो आप लोगों के लिए मैं तीन ऑर्गेनिक ट्रिक्स लेके आया हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक है। नो फेक एप्स एंड फेक बॉट्स, नो फेक एप्स, नो फेक बॉट्स। यस गाइस, बिल्कुल भी उनका यूज नहीं कर रहा है, वो आपको हार्म करती है लॉन्ग टर्म गेम में। इसलिए मैं आपको शॉर्ट टर्म गेम का कभी नहीं बोलूंगा कि शॉर्ट टर्म गेम को यूज करो और इंस्टाग्राम को इंक्रीज करो, आगे बढ़ो। वो शॉर्ट टर्म चीजें ज्यादा काम नहीं आती है। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक अ लॉन्ग गेम, बिग गेम। तो उसके लिए ऑर्गेनिक चीजें ही बेस्ट होती है। तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सिर्फ तीन ट्रिक्स आपको बताऊंगा, तीन ऐसे ट्रिक्स जो एक मिनट में आपको 10 फॉलोअर्स देंगी और डेफिनेटली देंगी, 100% देंगी 10 फॉलोअर्स इन 1 मिनट। हाउ टू इंक्रीज इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज टी एंड यू आर वॉचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और प्लीज लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज मैं लेके आऊँ इस चैनल पे और आपको थोड़ा बेनिफिट हो सके और आप ऑनलाइन से काफी ज्यादा और अच्छा अर्निंग ऑन सस्टेबल एंड पोटेंशियल अर्निंग कर सको। तो प्लीज एक कमेंट, कुछ अच्छा सा कमेंट लिख दो, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल जाए, प्लीज वन कमेंट। एंड तीन जो ट्रिक्स हैं उसे देखना मत भूलना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। एक मिनट में 10 प्लस सब्सक्राइबर आपको, फॉलोअर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं ऑन द इंस्टाग्राम। सो सबसे पहली जो टेक्निक होगी, जो ट्रिक होगी, दैट इज कॉल्ड हैशटैग ट्रिक एंड हैशटैग गेम। यस गाइस, इसको आपको बहुत ही केयरफुली खेलना है, बहुत ही ज्यादा केयरफुली। देखो, अगर केयरफुली नहीं खेलोगे तो क्या होगा, एक समय में आपका जो अकाउंट है वो नीचे चला जाते जाएगा, मतलब उस पर एंगेजमेंट कम हो जाएंगे, उस पर लाइक कम हो जाएगी। और अगर आप इस चीज को अच्छे से यूज करोगे तो आप बहुत ही ज्यादा आगे जाओगे। अब आपको करना कैसे, कैसे आपको एक मिनट में 10+ फॉलोअर्स मिलेंगे, अगर मैंने कहा है तो मैं आपको करके बताऊंगा। देखो, इसको मतलब ये करने के बाद, जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसको समझने के बाद आपको जाके अप्लाई करना। जब अप्लाई करोगे तो आप खुद ब खुद चीजों को देखोगे। और यहां पर मैं ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए नहीं बोलूंगा, सीधा स्मार्ट वर्क करने के लिए बोलूंगा, और वो कैसे मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो आपको पोस्ट किस चीज के रिलेटेड है वो आपको समझना है। जैसे ये पोस्ट है तो दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन पोस्ट, और ये जो पेज है मेरा वहां हम एंटरप्रेन्योरशिप, ऑनलाइन अर्निंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सीपी मार्केटिंग, ये सब चीजों के बारे में बात करता हूँ। और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ एज यू नो, सो वो सब चीजों की मैं बात करता हूँ। तो वहां मेरे जो हैशटैग्स रहेंगे वो बिल्कुल ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इन रिलेटेड हैशटैग्स को लेने के लिए आपको एक चीज का यूज करना है, एक सॉफ्टवेयर का यूज करना है, या बोल सकते हो एक वेबसाइट का यूज करना है। उस वेबसाइट का नाम है displaypurpose.com, ठीक है। तो यहाँ आपको, जैसे कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आके एंटरप्रेन्योर लिखना है बस, NTREPRENEUR। देखो, जैसे ही आप एंटरप्रेन्योर लिखोगे तो आपको यहाँ पूरे हैशटैग मिल जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली। देखो, जैसे कोई भी आपका पोस्ट हो, जैसे आपको फैशन है तो मैं यहाँ एक फैशन लिखता हूँ, फैशन। अब जैसे ही मैं फैशन लिखूंगा, देखो फैशन से रिलेटेड पूरे हैशटैग आ गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, हर हैशटैग को चेक करना है कि कौन सा हैशटैग अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, और लेकिन गाइस बता दूं, यहाँ देखो आपको हैशटैग सोचने नहीं पड़ेंगे, यहाँ आपको ऑटो हैशटैग मिल जाते हैं। हैशटैग बस लिखो, एक चीज लिखो, आपको उसके रिलेटेड पूरे हैशटैग मिल जाएंगे। अब आपको एक एक हैशटैग को पिक करना है और यहाँ पर जाके पुट करना है। यहाँ जब आप पुट करोगे तो दिखाएगा वो कितना रैंक कर रहा है, और जैसे कि आपको पता होगा आप इंस्टाग्राम में पुट करते हो हैशटैग तो वो दिखाता है कि उसको कितने लोगों ने उस हैशटैग को यूज किया है, कितने पे रैंक कर रहा है। तो वो चीज आपको यहां पर पुट करके एक एक बार देखना है, ठीक है। यहां जो मैंने बहुत सारा हैशटैग यूज करना किया है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। ये मेरी गलती थी, ये मुझे बाद में समझ में आई जब मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये इतना ज्यादा यूज नहीं करना है। तो आपको यहां पर 11 और 16 उससे ज्यादा यूज नहीं करना है। उसके लिए आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया, यहां पर आपको चुनना पड़ेगा। और उसके लिए सिर्फ 11 एंड 16, यहाँ 30 हैशटैग की लिमिट है, ठीक है। सॉरी, लिमिट बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ मैंने 30 निकाला हुआ है। तो आपको 11 सिर्फ इसमें से सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप इन्फिनिटी कर देंगे तो आपको जितना हैशटैग इनके पास होगा वो आपको दे देंगे, लेकिन यहाँ जब आप इसका रेंज 11 रखेंगे तो 11 बेस्ट ये चुन के देंगे, और इसमें से भी आपको बेस्ट चुनना है। इसीलिए मैंने इसको 30 किया हुआ है, और 30 में से आप इसमें से बेस्ट चुनो अपने लिए 11 या 15 या 16, उससे ज्यादा हैशटैग यूज नहीं करो। और
रिलेवेंट हैशटैग यूज करो। उसके बाद क्या करना है, जब हैशटैग आप चूज कर लोगे तो चूज करने के बाद यहाँ पर आपको अच्छा से एक डिस्क्रिप्शन लिखना है जिसमें कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि इफ यू वांट टू रिलेट दिस पिक सो प्लीज कमेंट बिलो एंड टैग योर फ्रेंड्स एंड मेंशन योर व्यू ऑन दिस पोस्ट। सो लोग क्या करेंगे, इससे इंगेजमेंट आपका बढ़ेगा और ये आपकी पिक जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा वायरल होने का चांस रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीज करनी है आपको। सबसे पहले एक तो रिसर्च करना है, दूसरा आपको जब ये हैशटैग्स को यहाँ पुट करना है, और तीसरा आपको एक कॉल टू एक्शन यहाँ पर देना है। ठीक है, आई थिंक ये तीन चीज हो गई। तो तीनों चीज को आपको अप्लाई करना है और उसके बाद आपको अपना पोस्ट कर देना है। जैसी आप पोस्ट करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चल जाना है अपने फीड्स में और वहां जितनी भी पोस्ट मिल रही है आपको उसको कम से कम उसमें से 10 से 20 पोस्ट को आपको लाइक करते जाना है। जस्ट जैसे ही आप देखना ये चीज करोगे, आप अगर आप अभी कर सकते हो तो जाओ अभी करके देखो, आराम से आपको 10+ फॉलोअर्स मिलेंगे इन अ मिनट, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ट्रिक। अब सो गाइस, जो अब सेकेंड ट्रिक है दैट इज कॉल्ड फॉन्ट फॉर इंस्टाग्राम। अब यहां पर मैं आपको लेके आता हूं फॉन्ट फॉर इंस्टाग्राम। देखो अब क्या होता क्या है, ये है क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, योर पोस्ट इज अमेजिंग माय फ्रेंड। ठीक है, तो मैंने जैसे लिखा योर पोस्ट इज अमेजिंग माय फ्रेंड, तो आपको इसमें कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे आपने लिखा योर पोस्ट अमेजिंग, इसका नाम है फॉन्ट फॉर इंस्टाग्राम, इसकी भी लिंक मैं आपको नीचे देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वरना आप इसको सर्च कर लेना, टॉप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला था displaypurpose.com था तो उसको भी आप सर्च कर सकते हो या नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी एफिलिएट नहीं है, टेंशन मत लेना। तो जैसे आप लिखोगे पोस्ट योर पोस्ट इज अमेजिंग माई फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको अलग अलग फॉन्ट में सारी चीजें आ जाएंगी। अब क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना है इस फॉन्ट को, जो अच्छा दिखे और थोड़ा स्टाइलिश दिखे, अनोखा दिखे, यूनिक दिखे, उसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि आप थक जाओगे देखते देखते, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको कोई बेस्ट कुछ अच्छा सा ऊपर से ही चुन लेना, ज्यादा समय वेस्ट मत करना बिकॉज टाइम इज वैल्यूएबल, यू नो। सो जैसे आप इसको कॉपी कर लोगे, फिर उसके बाद आपको जाना अपने फीड्स में और यहां पर आपको अपने रिलेवेंट, ठीक है, अपने रिलेवेंट, जैसे मेरा एंटरप्रेन्योरशिप है तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई पेज फाउंड करता हूं। सो मैं मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जो नीश है, बिजनेस सेटिंग जो नीश है, उसके लिए मैं एक पेज ओपन किया दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो अब यहाँ जो ये चीज़ है ना, ये जो पेज है ना, इसका जो नोटिफिकेशन है, जब आप मोबाइल में जाओगे तो वहां पर देखना एक ऑप्शन आता है, थ्री डॉट्स बने रहते हैं, उस पर क्लिक करना और इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अब क्या होगा, जब ये बंदा कोई भी पोस्ट डालेगा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि अभी इसने डाला है डियर एंटरप्रेन्योरशिप अब, ठीक है, तो ऐसे कोई भी जब ये पोस्ट डालेगा तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा मेरे मोबाइल पे तुरंत। मोबाइल पे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मैं कमेंट्स में जाऊंगा, तो गाइस मोबाइल पे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं उसके कमेंट्स में जाऊंगा और अनोखे स्टाइल में, ठीक है, अनोखे स्टाइल में, मतलब ये चीज़ जो मैंने यहाँ से कॉपी की है, ठीक है, ये चीज़ देखो इस टाइप में मैं कमेंट करूंगा। तो कमेंट जब मैं करूंगा तब लोग जब आएंगे इस पे कमेंट करने, तो आपका जो अच्छा कमेंट, ठीक है, यहाँ सिर्फ ये नहीं लिखना है योर पोस्ट इज अमेजिंग, आपको कुछ अच्छा लिखना है, कुछ अट्रैक्टिव लिखना है। जैसे कि मैंने कॉपीराइट में समझाया था कि थोड़ा कैची वर्ड लिखना है, तो जैसे ही वो बंदा देखेगा कि थोड़ा अलग स्टाइल में लिखा है तो ज्यादातर चांस है कि वो आपके प्रोफाइल पे विजिट करेगा। और सबसे बड़ी बात, वो एक रिलेटेड मैन रहेगा आपके प्रोफाइल से। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या वो एंटरप्रेन्योर है वही इस पेज को फॉलो करते होंगे, राइट? फिर तो वो क्या करेंगे, वो आपके पोस्ट पे, आपके प्रोफाइल पे विजिट करेंगे। जब वो प्रोफाइल पे विजिट करेंगे तो अगर आपका प्रोफाइल उनको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली वो आपको फॉलो करेंगे। इससे क्या होगा, इससे एक चीज होगा कि आपको रीच तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस आपको फॉलो बहुत अच्छे खासे मिलेंगे, प्लस आपको आपके जो नीश है उसके रिलेटेड फॉलोअर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और काफी ज्यादा मतलब यूजफुल है। मैंने खुद यूज किया है। अगर आप बस चाहते हो कि आप इंस्टाग्राम पे अपना बिजनेस बनाओ तो दैट इज
इनफ फॉर यू टू गेट लॉट ऑफ फॉलोअर्स अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो तो, ठीक है। तो ये दूसरी चीज हो गई। जो थर्ड थिंग है गाइज, जो थर्ड थिंग है दैट इज कॉल्ड वीडियो मार्केटिंग। आपको पता ही होगा कि जो आज का जमाना है, जो 2019 है, वो पूरा वीडियो के लिए डेडिकेटेड है। पहले लोग गूगल में सर्च करते थे, आजकल लोग ज्यादातर यूट्यूब पे सर्च करते हैं। अब तो लोग कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गए हैं, वॉइस सर्च करने लगे हैं। लेकिन अभी जो एरा है 2019, ये पूरा वीडियो मार्केटिंग का एरा है। तो अगर आप अपने प्रोफाइल पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करते हो विद हैशटैग जो मैंने बताया, विद कॉल टू एक्शन एंड विद स्पेशल वर्ड्स, तो आपका जो ग्रोथ है उसको एक बहुत अच्छा बाउंस मिलेगा और वो काफी तेजी से आगे जाएगा, ठीक है। एक अच्छी वीडियो जो आपको सर्च करनी है, सर्च कैसे करनी है ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। जो अच्छे वीडियोस हैं टॉप में उनको उठाना है और उनको डाउनलोड करना है, उसके लिए एक अच्छा हैशटैग चुनना है, ठीक है। और उसके बाद एक कॉल टू एक्शन होगा, और अच्छा खासा कॉल टू एक्शन होगा, मतलब एक अच्छा ब्रीफ बड़ा में, ठीक है। तो ये जो तीन चीज है गाइस, इसका यूज करके आप काफी अच्छा निकाल सकते हो, अच्छा खासा आप फॉलोअर निकाल सकते हो और रीच गेन कर सकते हो और इंगेजमेंट गेन कर सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो ये तीन चीजों का आप यूज करो। पहला जो है वो डिस्प्ले पर्पज, जो सेकेंड है फंड्स फॉर इंस्टाग्राम, एंड जो थर्ड है वो है वीडियो मार्केटिंग। तो ये जो तीन चीज है बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक है। अगर आप इसका सही से यूज करते हो तो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर या कोई भी स्कैमी और शॉर्ट टर्म के लिए बॉट्स के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी ऐप के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक है। और अगर आप अपना बिजनेस ऑन द इंस्टाग्राम बनाना चाहते हो तो ये तीन चीज आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी और डेफिनेटली हेल्प करेगी। अगर आपको कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे लिख सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, जहां मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूं और वहीं ज्यादातर मैं लोगों का हेल्प करता हूं, क्योंकि वहां वो चीज, वो एप्लीकेशन जो है वो मेरे मोबाइल में, और मैं वहां से आसानी से लोगों का रिप्लाई देता हूँ, हेल्प करता हूँ। तो आपको कोई भी बिजनेस से रिलेटेड, इंस्टाग्राम बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे वहां आके पूछ सकते हो, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप यहां पर भी लिख सकते हो, वहां पर भी लिख सकते हो। लाइक कर देना वीडियो को, अगर थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज अप्रिशिएट करना, क्योंकि आपका एक अप्रिशिएट मुझे बहुत ज्यादा ही अप्रिशिएट करता है आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो बिल्कुल टाइम पास कर रहे हो इंस्टाग्राम और कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद। सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।